सिंपल सा लुक है। बस अब तैयारी हो गई है पूरी पूजा की, मैं दिए निकालने जा रही हूँ और एंजल ये रही। एंजल ने मेरा वाला गाउन डाला है क्योंकि इसको आ गया है ये वाला गाउन, ये मेरा गाउन है। और टिंटिन अपना दिखा दो, टिंटिन ने लहंगा पहना है जो मैंने इसके जन्माष्टमी में मंगाया था। टिंटिन अभी हेयर सही नहीं हुए हैं तो टिंटिन को मैंने लहंगा पहना दिया है। काना अभी सो रहा है, पूजा का टाइम हो गया है क्योंकि 6:55 से पूजा का टाइम था और 6:55 बस होने वाले हैं। मैं दिए अब पतिदेव गए नहाने, वो नहा के आ जाए तो फिर हम पूजा कर लेंगे। फिर उसके बाद खाने की भी तैयारी होगी, कचौड़ियाँ दाल जो चने की दाल होती है ना उसकी मैं कचौड़ियाँ बनाने, मतलब आटा लग गया है कचौड़ियों का, वो दिखा दे रही हूँ आपको। पूजा की सारी तैयारी है, मैंने ये जो चने की दाल का आटा है ये वाला है और सब्जी बन चुकी है। सब्जी कहाँ है, सब्जी ये रही, ये पतिदेव ने सब्जी बनाई है आलू गोभी की, तो रायता वायता बन गया है और थोड़ी सी पूड़ी मैं बनाऊंगी, एक सब्जी और बनानी है। तो ये फिर पूजा करने के बाद ही मैं करूंगी जो करना है क्योंकि मुझे दिए निकालने के बाद अपनी सासू माँ के पास भी जाना है। आधे घंटे के लिए ही जाऊँगी, ज़्यादा देर के लिए नहीं जाऊँगी, तुरंत ही आ जाऊँगी मैं। और एक मैं हाथ में कूड़ा लेके घूम रही हूँ, तो मैंने सुबह से कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था। कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता दिन में, कुछ ना कुछ मतलब बच्चे के साथ ना बहुत सारे काम होते हैं और भी अपने भी पर्सनल कुछ काम होते हैं, तो वो सारे निपटा रही थी मैं। और देवी की सारी तैयारी मेरे मंदिर की हो गई A to Z, बस मुझे बैठ के बस पूजा करनी है और कुछ नहीं करना है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से और बताना मेरा लुक ये कैसा लगा साड़ी का। बहुत दिनों बाद मैंने ये वाली साड़ी डाली, मैंने सिर्फ एक बार ये साड़ी पहनी, आज मैं दूसरी बार पहन रही हूँ वाली साड़ी। मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। और ये मैं ससुराल पहुंची हूँ, बैठी हुई हूँ ड्राइंग रूम में क्योंकि हमें यहाँ की पूजा भी करनी है। अपनी घर की तो कर आए थे क्योंकि साइड में आप पता है अपने घर की पूजा की हमने वीडियो ही नहीं बनाई क्योंकि जल्दी यहाँ भी करनी है वहाँ भी करनी है, तो बस पूजा की तैयारी लगभग हो ही गई क्योंकि हस्बैंड करेंगे, हमारे यहाँ आदमी करते हैं पूजा दिवाली की जो होती है ना, तो सबके अपने अपने रिवाज होते हैं। ससुराल का रिवाज अलग है, मैके का रिवाज अलग है। और ये देखिए सूप में दिए वगैरह निकाले गए हैं, जो बड़ा दिया जलता है और ऐसे ही मतलब ससुराल में इसी तरीके से होता है, ऐसे ही पाटे पे लक्ष्मी जी और गणपति जी रख के इसी तरीके से पूरी सासू माँ है, उन्होंने नाइटी पहनी हुई है, कपड़े नहीं चेंज किए। तो बस यही थी आज, यही बना पाई आज का ब्लॉग। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मजे। और ये देखिए राधा कृष्ण मेरे ससुराल का मंदिर, हमारे यहाँ विष्णु लक्ष्मी जी राधा कृष्ण जी को बहुत माना जाता है, तो हमारे यहाँ सभी लोग इनकी पूजा बहुत करते हैं तो और दिल से भी मानते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए।